नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड के ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी हैं। तो उसके बाद लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आंसर की जारी हो गई, तो अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, यानी इस सेकंड ग्रेड का रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो इस पर वीडियो बनाएं। तो चलिए आज के स्टूडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जीके की क्लासेस और सेकंड ग्रेड मैथ का संपूर्ण कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। जो राजस्थान जीके की क्लासेज हैं वो आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिनमें आपके जो देखिए पैटर्न बन चुका है कि जिनमें ऊपर ऊपर की चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, जो डीपली भी आपके लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का मिश्रण कुछ हम करेंगे, जिसमें शॉर्ट तरीके से आपको चीज़ें हम याद कराने का प्रयास करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए सेकंड ग्रेड रिजल्ट, तो पहले तो देखिए आपके आंसर की आई है, अभी तक ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई। अब उसके बाद 15-20 दिन का समय इस पर ऑब्जेक्शन लगेंगे, यानी क्वेश्चंस पर आपके अकॉर्डिंग आपके आप पास प्रूफ है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी जिस भी सब्जेक्ट के अंदर है तो ऑब्जेक्शन आप लगा दीजिए। तो ऑब्जेक्शन होंगे वो लगभग इतने टाइम के बाद, लगभग 15-20 दिन का समय हो गया, तो फिर आप रिजल्ट कब तक संभावित है, यानी परिणाम अब आरपीएससी है वो थोड़ा जल्दी करेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से भी आदेश है कि यानी फर्स्ट ग्रेड को पहले नियुक्ति दी जाएगी, फिर सेकंड ग्रेड को, फिर थर्ड ग्रेड को। तो इस प्रकार का कुछ पैटर्न कर रहे हैं, तो इस वजह से रिजल्ट हालांकि रीट का पहले आ सकता है, थर्ड ग्रेड जो आपकी वैकेंसी हुई थी उसका पहले जारी हो जाएगा, लेकिन नियुक्तियां हैं वो ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी, पहले फर्स्ट ग्रेड को फिर सेकेंड ग्रेड को, क्योंकि वेरिफिकेशन में टाइम ले लिया जाएगा। ऐसा मैंने एक अपडेट भी बनाई थी कि पहले फर्स्ट ग्रेड को नियुक्ति दी जाएगी, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड को, और फिर उसके बाद थर्ड ग्रेड को नियुक्ति दी जाएगी। और देखिए इस प्रकार का पैटर्न रहेगा तो आरपीएससी रिजल्ट जारी करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। हालांकि फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट में काफ़ी सारा टाइम आरपीएससी ने ले लिया है, लगभग 6 महीने आसपास आपके हो गए हैं एग्जाम हुए, और फिर आपका रिजल्ट जारी होगा। यानी अब ये जब भी ये वीडियो आ रहा है तो तब तक फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, आने वाले 5-6 दिन के अंदर फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद में लगभग हम मान सकते हैं मई के आसपास, मई फर्स्ट वीक में सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी होगा, और अप्रैल के सेकंड या थर्ड वीक के अंदर रीट का रिजल्ट जारी हो जाएगा, और फर्स्ट ग्रेड का 5-6 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ ऑफिशियल तरीके से अपडेट हैं जो आरपीएससी पैटर्न फॉलो करने वाला है। तो इस वीडियो को हो सके उतना साझा जरूर कीजिएगा। रिजल्ट को लेकर हमने अपडेट आपको दी है, और इस तरह की और भी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।